In this question, a heat conducting piston can freely move inside a closed thermally insulated cylinder with an ideal gas. In the equilibrium, the piston divides the cylinder into two equal parts. This is diagram. The gas temperature being equal to T0, the piston is slowly displaced. Find the gas temperature as a function of the ratio eta of the volumes of the greater and the smaller sections. The adiabatic exponent of the gas is equal to gamma. तो इनिशियली यहाँ पर दोनों साइड में जो टेम्परेचर्स हैं वो इक्वल हैं और जो पिस्टन है वो हीट कंडक्टिंग है और उसके साथ साथ जो ये सारा यहाँ पर ये कंटेनर है जो भी यहाँ पर सिलेंडर है ये सिलेंडर थर्मली इंसुलेटेड है तो इससे किसी तरीके का हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है और क्योंकि इसको स्लोली स्लोली मूव कराया जा रहा है और ये कंडक्टिंग है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि किसी भी टाइम पे हीट का कंडक्शन इसके थ्रू कुछ ऐसे हो रहा होगा कि दोनों साइड के जो टेम्परेचर्स हैं वो इक्वल होंगे तो इसको मूव कराने के लिए यहाँ से सपोज एक फोर्स लगाया जा रहा है सपोज ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा जो ये काम कर रहा होगा यहाँ पर इसको इधर की तरफ मूव करा रहा होगा तो मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट को यहाँ पर कंसिडर करता हूँ सपोज किसी जनरल इंस्टेंट पर यह इतना मूव कर चुका है और इससे जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम इधर क्रिएट हो गया है वो V के बराबर है तो यहाँ का वॉल्यूम V बढ़ गया और ये वॉल्यूम हो गया V0 प्लस V और इधर का जो वॉल्यूम है वो घट गया और ये हो गया V0 माइनस V लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये कंडक्टिंग है अगर ये कंडक्टिंग है तो हर समय हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हीट का फ्लो कुछ ऐसे हो रहा होगा कि टेम्परेचर्स दोनों साइड के इक्वल होंगे तो टेम्परेचर ऑन बोथ द साइड्स आर ऑलवेज इक्वल अगर पिस्टन पे देखा जाए तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लग रहा है ये और प्रेशर लगातार चेंज हो रहे होंगे इनके इधर से जो प्रेशर है सपोज अगर वो P1 है तो पिस्टन पे जो फोर्स लग रहा होगा P1 है इधर अगर प्रेशर किसी टाइम पे P2 है तो इधर से जो फोर्स लग रहा होगा P2 है क्योंकि ये बोला जा रहा है कि पिस्टन स्लोली मूव कर रहा है अगर पिस्टन स्लोली मूव कर रहा है इसका मतलब है कि इस पर नेट फोर्स ज़ीरो होगा यानी P1A इज इक्वल टू P2A प्लस एफ एक्सटर्नल तो क्योंकि P1 P2 यहाँ पे समय के साथ साथ चेंज हो रहे होंगे तो एफ एक्सटर्नल भी यहाँ पे वेरिएबल होगा तो ये सभी वेरिएबल हैं प्रेशर्स टेम्परेचर्स ऑल आर वेरिएबल बस टेम्परेचर के साथ ये है कि टेम्परेचर हर एक इंस्टेंट पे दोनों साइड इक्वल रहेगा और जो भी टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है वो इन टर्म्स ऑफ दिस ईटा कैलकुलेट करना है तो एक बार ईटा के कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेते हैं कि ईटा किस तरीके से आएगा इसमें तो एक साइड का वॉल्यूम रहेगा V0 प्लस V और एक साइड का वॉल्यूम रहेगा V0 माइनस V इनका जो रेशियो है दैट रेशियो इज ईटा ये गिवन है यहाँ पर इसमें और टेम्परेचर इस टेम्परेचर को हमें कैलकुलेट करना है एज ए फंक्शन ऑफ दिस ईटा अब ये तो किसी जनरल टाइम का डायग्राम है यहाँ से अगर थोड़ा सा और डिस्प्लेस किया जाए तो उस डायग्राम को मैं यहाँ पर क्रिएट करने जा रहा हूँ इसमें तो थोड़ा सा डिस्प्लेस अगर कराया जाए तो प्रेशर में कोई खास वेरिएशन नहीं आएगा उस थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए अज्यूम कर सकते हैं कि प्रेशर ऑलमोस्ट अभी भी P1 एंड P2 हैं जो अभी इस इंस्टेंट पर है तो इस इंस्टेंट से अगर इसको थोड़ा सा और अगर खिसकाया जाए तो उसको मैं बोल सकता हूँ कि dx अमाउंट से खिसका दिया गया होगा या वॉल्यूम के टर्म्स में अगर बात की जाए तो बोल सकते हैं कि वॉल्यूम में जो इनफाइनाइटेसिमल चेंज हुआ है वो dV के बराबर हुआ है तो dV के बराबर एक्स्ट्रा इधर की तरफ यहाँ पर ये खिसका है इसमें तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के हिसाब से इक्वेशंस देखते हैं कि इक्वेशंस किस तरीके से बनाई जा सकती हैं फॉर सॉल्विंग दिस तो थोड़ा एनालिसिस करते हैं एक एनालिसिस तो हमने यहाँ पे देख लिया कि जो प्रेशर्स हैं वो कुछ इस तरीके से आपस में रिलेटेड होंगे अगर मैं दोनों साइड में अगर यहाँ पर यूज़ करूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ सपोज दिस इज़ कंपार्टमेंट नंबर 1 एंड दिस इज़ कंपार्टमेंट नंबर 2 तो कंपार्टमेंट नंबर 1 में जो हीट का एक्सचेंज है उसको मैं Q1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ Q1 इज इक्वल टू और ये है यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U1 और ये हो गया वर्क डन इसी तरीके से जो सेकंड कंपार्टमेंट है वहाँ पे जो हीट का एक्सचेंज है उसको मैं Q2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ Q2 इज इक्वल टू डेल्टा U2 प्लस W2 अब इसमें जो हीट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पर तो हीट का ट्रांसफ़र एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में हो रहा है तो इसका मतलब है कि एक
अगर हीट का ट्रांसफ़र अगर कुछ इस तरीके से हो रहा है इसमें, तो जितनी हीट इसको मिल रही है उतनी हीट यहाँ से रिजेक्ट हुई होगी, उतनी हीट यहाँ से इधर ट्रांसफ़र हुई होगी इसमें। तो इसका मतलब है कि एक के लिए जितनी पॉजिटिव हीट होगी दूसरे के लिए उतनी ही नेगेटिव हीट का यहाँ पर हुआ होगा। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो Q1 प्लस Q2 इनका जो समेशन है वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि एक जगह के लिए जितनी पॉजिटिव दूसरी जगह के लिए उतनी नेगेटिव है। डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2, W1 प्लस W2, दोनों साइड के वर्क बराबर नहीं हो सकते क्योंकि वॉल्यूम में तो एक जैसा चेंज हो रहा है, एक जगह प्लस dV हो रहा है तो एक जगह पे -dV हो रहा है वॉल्यूम में चेंज, लेकिन प्रेशर अलग अलग है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो इक्वल नहीं हो सकते इनके, तो वर्क डन यहाँ पर अलग अलग होंगे। जहाँ तक डेल्टा यू की बात है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात है, तो अगर इसके लिए देखा जाए तो दोनों साइड में वही गैस है। अगर वही गैस है दोनों साइड में यहाँ पर, तो इसके लिए जितना चेंज हुआ है यहाँ पर, क्योंकि टेम्परेचर में दोनों में सेम चेंज है, तो सेम चेंज है टेम्परेचर में यहाँ पर, तो दोनों के लिए डेल्टा यू जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो मैं इसे ट्वाइस डेल्टा यू लिख देता हूँ, तो जो टोटल इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो ट्वाइस डेल्टा यू हो जाएगा, और एक तरीके से ये टोटल वर्क डन हो जाएगा। दिस इज टोटल वर्क डन। तो ऑब्वियस है कि इनमें से एक क्वांटिटी पॉजिटिव होगी और एक क्वांटिटी यहाँ पर नेगेटिव होगी। अगर इसको इस तरीके से देखा जाए कि डेल्टा यू टोटल मैग्नीट्यूड वाइज वर्क डन टोटल के इक्वल है, तो जो टोटल वर्क डन हुआ है यहाँ पे वो टोटल वर्क डन यहाँ पे टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है न्यूमेरिकली। तो न्यूमेरिकली दोनों इक्वल है, और टोटल जो वर्क डन यहाँ पर हुआ है वो वर्क डन की कैलकुलेशन भी इंटरेस्टिंग है इसमें। तो मैं W1 W2 की वैल्यूज़ को इंडिविजुअली यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो ट्वाइस डेल्टा यू W1 इंडिविजुअली, तो W1 इंडिविजुअली यहाँ पे, तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है इसमें, तो उसके अकॉर्डिंगली जो इस गैस का वर्क डन है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि पिस्टन इधर की तरफ मूव कर रहा है और जो फोर्स लग रहा है गैस का वो इधर की तरफ लग रहा है। तो ये जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा, और इसको मैं लिख देता हूँ माइनस के साथ, माइनस P1 इंटू dV। इधर की गैस का जो वर्क डन है वो पॉजिटिव होगा, तो दैट विल बी प्लस P2 इंटू dV, और दिस कैन बी रिटन एज टू डेल्टा यू, दिस इज P2। मैंने इनफाइनिटिसिमल टाइम, छोटे टाइम के लिए लिया है, तो डेल्टा को मैं डी में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख रहा हूँ, जब ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है उस छोटे से ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि P1 dV, P2 dV, उस छोटे से ड्यूरेशन के लिए लिखा गया है। तो P1 माइनस P2 इंटू dV, और ये जो टोटल वर्क डन का मैग्नीट्यूड है P1 माइनस P2 इंटू dV, इसको आप यहाँ से भी विजुलाइज कर सकते हो, डायरेक्टली भी इसको विजुलाइज किया जा सकता है फ्रॉम हियर। और कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, P1 माइनस P2 इंटू ए, इसको आप dx से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, एफ एक्सटर्नल इंटू dx। तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया, और P1 माइनस P2 ए dx हो जाएगा, ए dx इज चेंज इन वॉल्यूम, P1 माइनस P2 dV। तो यहाँ पे जो गैसेस, जो एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क डन कर रहा है, इसको मैं एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन के बराबर भी लिख सकता हूँ, दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो एक तरीके से जो इक्वेशन यहाँ बन रही है वो डायरेक्टली भी इस तरह से विजुलाइज की जा सकती है कि एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया उस वर्क ने सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को यहाँ पर इंक्रीज कर दिया, इट इज़ द टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैसेस। अब इसके बाद में सॉल्व करने के लिए हमारे पास में ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करते हुए वी हैव टू सॉल्व दिस। तो अब जो मेजर वर्क है इस प्रॉब्लम में वो है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का ही मेजर वर्क है। तो उस वर्क को यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो DU है वो DU यहाँ पर लिखा जा सकता है NCVdt, ट्वाइस यहाँ पहले से आ गया है, और एन यहाँ पर दोनों में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हो गए इसमें। नाउ दिस इज़ इक्वल टू P1 माइनस P2, तो प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना होगा, तो प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में लिखा जा सकता है, क्योंकि इस टाइम पे मैंने टेम्परेचर को T एज्यूम कर रखा है, तो दिस विल बी NRT। और जो P1 है, P1 के लिए इधर का वॉल्यूम लेना पड़ेगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा V0 माइनस V, फिर ये हो जाएगा NRT, और ये हो जाएगा V0 प्लस वी, एक जगह V0 माइनस वी हो गया, एक जगह V0 प्लस वी हो गया, और ये हो गया dV। अब CV तो हो जाएगा R अपॉन गामा माइनस वन,
और जो n और r आएंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक t जो यहाँ पे आ रहा है वो वेरिएबल है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। इस t को इधर लाया जा सकता है, तो dt बाई t का इंटीग्रेशन बन जाएगा यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हुए वी कैन राइट दिस ट्वाइस अपॉन गामा माइनस वन dt बाई t, मैंने यूज़ कर लिया है सी वी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन ये फॉर्मूला। टेम्परेचर जो है वो टी नॉट से टी तक चेंज हो रहा है यहाँ पे। इसको थोड़ा अगर रीअरेंज कर लिया जाए तो रीअरेंज करने के बाद में इट विल बी 2V डिवाइडेड बाय एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके का एक्सप्रेशन। तो जहाँ तक इंटीग्रेशन की बात है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन टी, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं एक माइनस यहाँ पर एक्स्ट्रा इंक्लूड कर देता हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। और वी की जो लिमिट है, तो वी की लिमिट वी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी हमें समझ लेना होगा। तो वी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना वॉल्यूम इसने क्रिएट किया है, पिस्टन जो मूव कर रहा है उसने कितना वॉल्यूम यहाँ पर उसके वजह से चेंज हो रहा है। तो स्टार्टिंग में तो यहाँ पे था तो वी बोल देंगे जीरो था, लेकिन जब ये यहाँ पहुँच गया तो वी कितना हो गया। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन यहाँ पर हमने लिखी है इससे वी की वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी इसमें। तो जो वी की इक्वेशन आएगी इसको सॉल्व करने के बाद में वो वी यहाँ पर हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वी नॉट ईटा माइनस वी ईटा वी नॉट प्लस वी। और यहाँ से अगर वी कैलकुलेट किया जाए तो वी वी नॉट इंटू ईटा माइनस वन डिवाइड बाय ईटा प्लस वन, तो ये यहाँ पर वी की वैल्यू है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको जीरो से वी ले देता हूँ, फिर बाद में लास्ट में वी की वैल्यू इसमें पुट कर ली जाएगी। इंटीग्रेशन तो टू अपॉन गामा माइनस वन एल एन टी बाई टी नॉट, ये लिमिट पुट करने के बाद में एल एच एस आर एच एस में एक माइनस आएगा एल एन वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इसमें लिमिट पुट करनी पड़ेगी हमें जीरो से वी। लिमिट पुट कर लेते हैं तो एल एन वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर जब जीरो पुट करेंगे तो वी नॉट स्क्वायर ही बचेगा यहाँ पर इसमें, तो ये इतना हो गया। अब इसके बाद में जो वी की वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है उस वी की वैल्यू को इसमें रखना होगा और इनको यहाँ पर पहुँचा देते हैं। और इनको पहुँचाने के बाद में क्योंकि एक माइनस आ रहा है तो उस माइनस की वजह से जब इसको एडजस्ट करेंगे तो फाइनली इसको इस फॉर्मेट में लाया जा सकता है। तो मैं जस्ट फाइनली इसका यहाँ पर आंसर इसमें लिख देता हूँ, तो फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम विल बी टी नॉट, और जब ये सब रखेंगे यहाँ पे तो ये टर्म क्रिएट हो जाएगा ईटा प्लस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर ईटा, माइनस के वैसे ये पावर रिवर्स हो जाएंगी गामा माइनस वन बाई टू।